दोस्तों आज मैं चिकन का सालन बना रही हूँ। तो ये मैंने जीरा ली हूँ, ये अच्छी धनिया ली हूँ, ये लौंग ली हूँ, ये मिर्च है, ये हरी इलायची है, ये एक काली इलायची ली हूँ और ये इतना लाल मिर्चा ली हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम लाल मिर्ची का तड़का दे देते हैं। कांदे के लाल होने तक इसको भूनते हैं हम। दोस्तों कांदा हमारा हो गया है, अब हम इसके अंदर चिकन डाल देते हैं। साथ में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। एक चम्मच हल्दी डाल देंगे। स्वाद के मुताबिक नमक डालेंगे, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। इस इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें हम। इसको 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे। दोस्तों 5 मिनट हम इसको भून लेंगे। हम इसको अच्छे से भून लिए हैं, अभी इसके अंदर हम मसाला ऐड करते हैं। दोस्तों मसाला इसमें हमने डाल दिया है, अब इस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। मसाले के साथ हम एक मीडियम टमाटर डाल देते हैं, मसाले के साथ भुनाएगा। अब इसको हम बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। दोस्तों ये हम थोड़ा ही मसाला डाल रहे हैं लेकिन बहुत स्वादिष्ट बनता है।